पचनवी द्रव्या में फ़िश कढ़ाई बना रहे हैं, इसके लिए मैंने 1.5 किलो मछली ली है। इसका जो सारा वाला हिस्सा है वो मैंने अलग कर लिया है, उसको अलग से मैं नमक अजवाइन और सिक्का लगा दूंगी। इसमें अब मैं लगा रही हूँ 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 कप सिरका। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब इसे हम तकरीबन 15 मिनट के लिए रखेंगे। और इसी तरह मैंने इसके जो ऊपर वाला हिस्सा था सर का, उसको भी मैंने लगा दिया। 15 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह से साफ पानी से साफ करेंगे। मछली को धो के मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, जो इसको मैंने पहले मसाला लगाया था नमक अजवाइन और सिरका, उसको मैंने धो लिया था। इसको इस तरह मैंने टोकरी में डाल दिया, ये ड्रेन हो गया, इसका पानी अच्छी तरह खुशक हो गई है। अब इसको हम इस तरह रखेंगे सारी मछली को। अब इसमें हम लगाएंगे 1/2 टेबल स्पून मिर्च, अपने हिसाब से आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 चाट मसाला, 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून नमक। अब इसको हम इस तरह एक दूसरे के साथ मलेंगे और ये दोनों तरफ लग जाएगा। इसी तरह हम सारे को करेंगे। ये हमारा अच्छी तरह से मसाला लग गया। अब इसको 15-20 मिनट के लिए हम रख देंगे। 3 प्याज मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे, उसको मैंने जग में डाल के ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया। 3 हरी मिर्चें बड़ी मैंने ली थी, और 7 से 8 जो है मैंने लहसुन के लिए थे, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है, ये देखें इस तरह। और 4 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस लिया है, ये लेमन जूस इसमें जाएगा। सुरख मिर्च जाएगी 1/2 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून धनिया, और अभी हम 1/2 टीस्पून नमक ले रहे हैं। उसके बाद देखेंगे जब मसाला तैयार होगा कि नमक हमें चाहिए और डालना के यही काफ़ी है, क्योंकि मैंने मछली को भी लगाया है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून जो है इसके मसाले के लिए जाएंगी। 20 मिनट हो गए, अब हम इसको मछली को फ्राई करेंगे। पहले दो से तीन मिनट एक साइड पे फ्राई करेंगे और फिर इसे पलट के दूसरी तरफ से 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। इसी तरह हम सारी मछली को फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम पलटेंगे इस तरह। इसी तरह हम सारी मछली को फ्राई कर लेंगे। फिश हमारी फ्राई हो गई है सारी, अब इसमें थोड़ा सा ऑयल हम और डालेंगे, फिर इसको इसका मसाला बनाएंगे। प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। प्याज की 7 से 8 मिनट मैंने भुनाई कर ली है, अब इसमें दूसरा मसाला डालेंगे। थोड़ी देर इसको भी भुनेंगे। मसाला हमारा तकरीबन भून चुका है, अब इसमें हम फिश जो फ्राई की थी वो डालेंगे।
आग को हमने मीडियम कर देना है और मीडियम आग पे हमने इसको पकाना है। 4 टेबलस्पून मैंने दही लिया था, इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे दही। डालने के बाद हमने इसको चम्मच नहीं लगाना, थोड़ी देर तक हमने वैसे हलाना है 2 बार इस तरह। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। इसको हल्का हल्का इस तरह हमने हलाते रहना है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मरतबा, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। ये देखिए जिस तरह ये ना इस तरह ऊपर नीचे हो जाए। ये देखिए मसालेदार हमारी फ़िश कढ़ाई तैयार है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। सब्ज़ धनिया एक साथ मैंने गार्निश कर दिया है। इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, खुद भी बनाएं और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे पेज को और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।